नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूं और काफी बहनों की ये सवाल है कि जिस पे हमारी जो मशीन जब टेप देने लगती है तो उसका हम क्या करें, उस कपड़े पे हम सिलाई कैसे करें। तो ये देखिए, जैसे ये कपड़ा है और इस पे ये नॉर्मल सुई जिसे हम हमेशा सिलाई करते हैं वो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये जैसे लाइलक्स टाइप का कपड़ा होता है और ये जैसे बढ़ने वाला भी होता है, ठीक है, ये हर साइड से। कई बार क्या होता है कि हमें अपने ब्लाउज बनाने होते हैं और वो मशीन जो है सिलाई सही नहीं देती है, और तो हमें क्या करना चाहिए? जो आजकल हमारे फैंसी ब्लाउज आ रहे हैं वो करीबन इसी प्रकार के होते हैं, तो उनमें जब आपकी सिलाई ना चले या इस प्रकार की कोई समस्या हो जाए तो आपको सिलाई कैसे करनी चाहिए? और देखिए, इसमें अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से टेप आ सकती है इस मशीन की स्टिचिंग से। तो वो अगर आपको भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप उस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे अपने ब्लाउज को फटाफट सिलाई कर सकते हैं। पर अच्छी सिलाई चलेगी, बीच में ये इस प्रकार से बड़ी बड़ी टेबे निकाल देती हैं। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि ये सुई यहाँ पे ऐड नहीं हो रही है इस कपड़े को, ये जो छोड़ छोड़ के आती है इसमें जाती है, नीचे वाले सुई को वो टच करती है और फिर ऊपर आ जाती है। तो वो मतलब ये सिलाई यहाँ पे दोनों नीचे और ऊपर का इनका जो ब्रेकअप है वो सही नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कई बार हमारे पास सुई दूसरी नहीं होती है और इसी से हमें, और ये मान लो ब्लाउज है तो मुझे सिलना बहुत जरूरी है, तो मैं उस टाइम क्या करूं, किस उपाय को काम में लूं? तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आप ये जो सिलाई है वो अच्छे से निकाल पाओगे इसी कपड़े पे और इसी मशीन से, इसी सुई से। तो देखो, सिलाई सही करने के लिए मैंने ये कागज का टुकड़ा लिया है। जैसे मुझे इस कपड़े की अभी डोरी निकालनी है और किंतु ये तो सुई नहीं चलेगी, और सुई चेंज करूं या इतना मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मेरे पास सुई नहीं है, दो प्रॉब्लम है। तो क्या करना होगा, आप इसको ऐसे, ये वाली ऑन साइड है, ये वाली ऑफ साइड है, तो हमें क्या करना होता है कि देखिये इस पे हम सुई सिलाई निकालते हैं। तो मैं आपको इस पे पहले दिखा देती हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे ये जो कई बार जब यदि इमरजेंसी हो जाती है और हमें सिलाई करना है, फिटिंग लगानी है, जो भी हमारी ड्रेस है, तो इस प्रकार से आप उसकी फिटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे पेपर लगा दिया है और पेपर लगाने के बाद जो इसकी सिलाई है वो आप देखिए, ये देखिए पेपर लगाने के बाद जो इसकी सिलाई आएगी वो बिल्कुल बराबर आएगी। इसमें आपको फिर आप इस प्रकार से पेपर को हटा सकते हैं। अब ये दोनों सिलाई आप देखिए, ऊपर वाली सिलाई में और नीचे वाली सिलाई में क्या अंतर है, चेंजिंग हो गई है। तो अब हम इसी में इसी प्रकार से सिलाई करेंगे क्योंकि मुझे इसको डोरी निकालना है और ये सिलाई जो है वो यहाँ पे सही नहीं आएगी। तो इसको थोड़ा सा निकाल करके फिर क्या करूंगी मैं, इस प्रकार से ये जो पेपर है इसका कट करेंगे बिल्कुल बारीक जितनी की हमें, क्योंकि उरेप है ये तो डोरी जो बढ़ती जाएंगी, तो इसको इस प्रकार से बीच में जितना मुझे लेना है उतनी मैं सिलाई कर दूंगी, बाकी ये कागज के ऊपर चलते रहेगी। तो इस प्रकार से आप अपनी जो सिलाई है जरूरी है, इमरजेंसी है, वो ऐसे कर सकते हैं। और तो मुझे ये डोरी बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि और में तो आपका लाइनिंग का कपड़ा आ जाता है जब आप ड्रेस की स्टिचिंग करते हो और भी, किंतु जब डोरी निकालते हैं हम तो यहाँ पे हमारे पास लाइनिंग नहीं होता है, हमें सिंगल कपड़े की डोरी निकालनी होती तो हम क्या करें। तो ये एक छोटा सा आपने आपको तरीका बताया है कि आप इस प्रकार से और डोरी निकाल सकते हैं, और ये मैं आपको यहाँ पे स्टिच करके पूरा दिखाऊंगी कि कैसे आप इस पे जो डोरी है वो अच्छे से इसके निकाल सकते हो। तो देखो, हमने इसको स्टिच कर लिया है, अब आपको कागज को हटाना कोई असंभव नहीं है। देखिए सिलाई, देखिए आप बिल्कुल जो है कहीं पर भी इसमें आपको टेप बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, और अगर मैं इसको सीधा स्टिच करती तो यहाँ पे इसके टेप आ जाती, बिल्कुल भी सही सिलाई नहीं आती। जैसे कि इस पे आई है तो इसी प्रकार से ये भी टेप लगाती। तो इस आप इस चीज का यूज कीजिएगा, जब भी आपको कोई इमरजेंसी हो तो इस प्रकार से आप सिलाई निकाल सकते हैं एक पेपर की सहायता से, और अपने ब्लाउज को जो डिजाइन है जो भी है नॉर्मली है जो डोरी है उसको आप ऐसे स्टिच कर सकते हो, जो कि बहुत आसान है। थैंक यू। देखिए स्टार्ट में मैंने यहाँ पे कागज नहीं लगाया था तो ये यहाँ पे बड़ी टेप आ गई है, इसके बाद में ये मैंने जैसे ही कागज यहाँ पे लगा दिया था तो यहाँ पे बिल्कुल ओके आ रही है।